हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और हमने हैवी पोशाक बनाई है। आप यहाँ पे ये जो सारे पैच देख रहे हैं ये सारे हैंडमेड हैं, ये सब मैंने बनाए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ये सारे हैंडमेड हैं, ये मैंने बना के रखे हैं। वीडियो में मैंने बनाना भी बताया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हमने कुछ पिप्स और फोम फ्लावर इस वजह से यूज़ किए हैं क्योंकि आजकल मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो जन्माष्टमी आ रही है, हमने ये पोशाक जन्माष्टमी के लिए बनाई है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ पिप्स और फोम फ्लावर भी यूज़ किए हैं। आप देखिए, ये सारे हमने हैंड मटेरियल से कितनी हैवी सी पोशाक बना के रेडी की है। और एक चीज़ और गाइज, अगर आप इस तरह की पोशाक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आप लोग कॉल नहीं करें, कॉल नहीं रिसीव होगी किसी के, आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। उस टाइम मेरे पास जो भी अवेलेबल होंगी हैंडमेड पोशाक वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी। बस आप वहाँ पे जाके मैसेज कर दें कि मुझे हैंडमेड पोशाक ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रेडीमेड पोशाक भी सेल होती है, कान्हाजी की ज्वेलरी भी सेल होती है, तो आपको जो चाहिए वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप मैसेज ही करें। मैं बार बार इसलिए बोली हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग कॉल करते हैं और फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, किसी की कॉल नहीं रिसीव होती है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी पोशाक। ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने ये बेस हमारा बना के कंप्लीट कर लिया है, पीछे से अस्तर लगा के बनाया है, काफ़ी अच्छे से हमने इसे बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने ये 10.5 इंच का डायमीटर रखा है इसका, ये आप 4 से 5 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। और इसे डेकोरेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस तरह का फ्लावर। ये देखिए, ये फोम का फ्लावर आता है मार्केट में, ये आपको इस तरह से एक बंच मिल जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा ये डिमांड में है, जन्माष्टमी आ रही है, बस उसे ही देखते हुए हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, ये पिप्स और ये फोम फ्लावर। ये पिप्स भी देखिए आपको ऐसे एक बंच करके मिल जाएगा मार्केट में इस तरह से, और ये भी एक बंच करके मिल जाएगा। तो इस दोनों में से हमने यहाँ पे देखिए कट करके रख लिया है और इसे भी हमने कट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर इसे सेट करती हूँ अभी। और ये है हमारी मेन चीज़ बूटी, तो इसे ही हम बनाना देखेंगे। ये हैंडमेड बूटीज़ ही हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मैंने पहले से ही बना के रख दी है। ये देखिए, ये इस तरह की है, आप देखें, आप इसे आसानी से बना सकते हैं घर पे, और मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक। तो हम अपना ये बेस हटाते हैं पहले, और बूटी के लिए हमने यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ है। ये हमने ग्रीन कलर में शाटन का फैब्रिक बुकरम के ऊपर पेस्ट करके लिया है, ये बुकरम लगाई है। अगर आपके पास बुकरम नहीं है पेस्टिंग वाली तो आप इसे कागज़ के ऊपर भी प्रेस करके चिपका सकते हैं, बट बुकरम के ऊपर प्रेस करने से ये होता है कि हमारी ड्रेस वॉशेबल रहेगी, हम इसे आसानी से धुल पाएंगे। और अगर आप कागज़ के ऊपर बनाते हैं तो फिर आपको वॉश करने के बाद दिक्कत आएगी, और बुकरम के ऐसा नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे हमने ऐसे उल्टा करना है, और ये देखिए मैंने ये सर्कल में लिया हुआ है, ये मुझे मिल गया। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, और सर्कल आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ से इस तरह से हम इसे काट देंगे, अच्छे से हमें शेप देते हुए इसे काटना है, आराम से कट करेंगे। ये देखिए, बहुत आराम से आप काफ़ी हैवी पोशाक अपने घर पे ही बना सकते हैं जन्माष्टमी के लिए। ये देखें, ये मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, ये कट हो गई, ये हमने कट कर दिया। ये देखिए, ये हमारे पास सर्कल में आ गया है। और अब हमने यहाँ पे इस तरह की चेन ली हुई है, ये पर्ल वाली चेन है, ये भी आपको मार्केट में मीटर के हिसाब से मिल जाएगी। ये देखें, ये पर्ल वाली चेन यूज़ करेंगे, साथ में हम ये बॉल चेन यूज़ करेंगे। ये हमने देखिए 8 mm में इस तरह के नग लिए हैं, ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। ये आई थिंक इसका नाम डेकोरेशन बटन बोलते हैं, आई डोंट नो मुझे क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसे शॉप पे जाके नहीं लिया है। और इसके साथ हम सेरेमिक यूज़ करेंगे, ये हमारी हाफ कटी हुई मोती होती है,
कुछ गोल्डन कलर में आती है। इसका टच देखें, इसे सेरेमिक बोलते हैं, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। और साथ में हम यूज़ करेंगे ये ग्लू का, ये फैब्रिक ग्लू है और ये हमने बॉल चेन ली हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर में थोड़ा सा फैला के ग्लू लगाएंगे, और ग्लू लगाने के बाद हम यहाँ पे ये बटन लगाएंगे बीच में। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। अब यहाँ से हल्का सा ग्लू लेते हैं और यहाँ पे ये मोती लगाएंगे। इसके चारों साइड पे हमें मोती लगानी है। ये देखें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हम काम करेंगे और बहुत आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें, यहाँ पे हम इसके पूरे राउंड पे ये मोती लगाएंगे। आसानी से आप बना सकते हैं। मैंने पिछली काफ़ी सारी हैवी वीडियो में सिर्फ फोम फ्लावर और बंच का यूज़ किया था, तो कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ हैंडमेड बताएं। बहुत मुश्किल से ऐसा चैनल मिला है जिस पे काफ़ी सारी चीज़ें हैंडमेड सीखने को मिलती है, तो आप भी वैसे ही ना सिखाएं, तो मैंने बस आप लोग की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए पूरा काम हैंडमेड किया है। ये आप आसानी से बना सकते हैं। और थोड़े से मैंने पिप्स और फ्लावर इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये देखिए, अब ये पूरे राउंड पे हम ऐसे करके ग्लू लगाएंगे। हमारा बीच का काम ख़त्म हो गया, अब ये पूरे राउंड पे हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने लगा दिया। अब ये जो हमारी मोतियों वाली चेन है, इसे हम लगाएंगे। तो यहाँ से करके इस तरह से लगाना होता है इसे। ये देखें, दोनों हाथ से पकड़ के मैंने इसे लगा दिया। ये अगर आप सही से नहीं लगाएंगे तो पलट जाती है और फिर दिक्कत करती है, तो हम बहुत आसानी से इसे लगा लेंगे। और थोड़ा सा मेज़र करके हम कट कर लेते हैं जिससे हम इसे पूरे पे सेट कर सकें। तो ये मैंने कट कर दिया। मेरे पास इसका अभी कटर नहीं है, मेरी सीज़र भी ख़राब हो जाती है, तो मुझे लेना है बट मिल नहीं पा रहा है। अगर आप में से किसी ने भी ऑनलाइन परचेज़ किया हो तो मुझे लिंक दें, मुझे भी लेना है, मुझे यहाँ मार्केट में नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने इसे लगा दिया। ये पलट जाता है थोड़ा सा, हमें सेट करना पड़ता है इसे। और ये मैंने बहुत ही छोटे साइज़ का लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ी हमारी चीज़ें जब छोटी छोटी होती हैं तो हमारा डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत उभर के आता है। ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ से ये वॉल चेन हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ वॉल चेन, फिर हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, इतना लंबा कट कर लेते हैं, बस एक अंदाजे से मैंने कट कर लिया। और देखिए, ग्लू आपको चारों साइड दिख रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर इसे सेट कर देंगे बस ऐसे रख के। ये देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार की मेरी बॉल चेन बहुत ही अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी, इतनी सॉफ्ट है ये, एकदम छोटा साइज़ होने के बाद भी थोड़ी सी भी अकड़न नहीं है इसमें। कभी कभी हमारी बॉल चेन होती है जो अकड़ जाती है, फिर दिक्कत करती है वो, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये हमारी बूटी बन के रेडी हो गई है। जब ये सूखेगी तो एकदम इसी की तरह हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको वाइट वाइट ग्लू दिख रहा है, ये सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो हमारी बूटी बन गई है। मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाती हूँ और हम अपने ड्रेस पे ये सब चीज़ लगा के डेकोरेट करते हैं। अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये सारी बूटीज़ निकाल ली है। ये सारी मैंने पहले ही बना के सूखने के लिए रख दी थी, तो ये सारी काफ़ी अच्छे से सूख गई है। अब हम देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमें एक ये पिप्स लगाना है, इसे हम पोलन भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन गर्म करके रखी है। ये देखिए, इसे हमें चिपकाना ही होता है। आप फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो। ये देखिए, बस उसके साथ एक दिक्कत होती है कि वो येलो कलर छोड़ देता है, मतलब जैसे पीला पीला होता है। ये सूखने के बाद आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरह से लगाया, एक पिप्स लगाया और उसके ऊपर एक ये फ्लावर लगाया। अब हम ये बूटी लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से ग्लू लगाते हैं। और कभी भी आप काम करें तो आप ध्यान दें कि आपकी गन अच्छे से गर्म हो। ये देखें, यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे, ये हमने लगा दिया। अब फिर हम यहाँ पे पिप्स लगाएंगे और उस पर एक फ्लावर लगाएंगे।
तो ये हमने एक रेड कलर में पिप्स लिया, लगा दिया, और यहाँ पे एक फ्लावर लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, ऐसे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस हमारी बनके रेडी होगी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं और अपनी ये बूटी लगा देंगे। ये देखिए, मैं बूटी को अगर आप ध्यान देंगे तो हल्का सा बाहर निकाल के लगा रही हूँ, एकदम अंदर नहीं, इससे हमारा शेप बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं जल्दी जल्दी से लगा देती हूँ, आपके सामने ही लगाऊंगी, बट थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए, हमने इसके ऊपर ये पूरा लगा दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस। आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत गजब का है। अब मैंने इस तरह की ये बटन ली हुई है, ये जो हमने सेंटर पे यूज़ किया है सेम ऐसे ही है, बट ये हमने 8 mm में यूज़ किया और ये हमारी 12 mm में है, और इसमें ये पूरा गोल्डन था हमारा, ये रेड और गोल्डन पे है। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे ड्रेस पे लगाएंगे कहीं कहीं बीच बीच में, जिससे हमारी ड्रेस और भी हैवी हो जाए। चलिए हम जल्दी से लगा देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे लगा दिया, और इसके साथ हमने एकदम प्लेन चोली बनाई है। ये देखिए, इस तरह की चोली बनाना भी मैंने काफ़ी बार बताया है, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। मेन हमारी जो चीज़ थी उस पर हमने फोकस किया, और प्लेन चोली इसलिए बनाई है कि इस पर आप कोई भी ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनाएंगे तो एकदम उभर के आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।